गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज संडे है और संडे का दिन हमेशा मेरा घूमने वाला दिन होता है, तो मैं रेडी हो गई हूँ बाहर जाने के लिए। अभी मेरा कुछ डिसाइड है नहीं कि मैं कहाँ जाऊंगी, वो रास्ते में मैं डिसाइड कर लूंगी। तो आपको मेरा ब्लॉग पूरा देखने के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहना है। तो चलिए, मैं चलती हूँ अब बाहर। तो गाइस, अब हम फाइनली बाहर निकल चुके हैं अपनी कॉलोनी से। अब हम पहले पेट्रोल डलवाते हैं फिर चलते हैं। वैसे जाना कहाँ है हमें? जाना पता नहीं, पहले पेट्रोल डलवाएंगे उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ चलेंगे। अपने पेट में भी कुछ डालेंगे तो गाड़ी के लिए भी पेट में कुछ डालना जरूरी है। ऑब्वियसली पेट्रोल तो चाहिए, बिना पेट्रोल के तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो पहले हम पेट्रोल डलवाते हैं फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। लास्ट टाइम हमने यहाँ से मैगी लिया था ना, मुझे याद है अभी भी। उन्होंने हमसे 10 रुपीज ज्यादा लिए थे, फिर रिटर्न भी किया था। फ्रेंड्स, गाड़ी में पेट्रोल डल गया, तो चलिए अब हम पेमेंट कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये INA मार्केट है। हम INA मार्केट पहुंच चुके हैं और अब पहले चलेंगे सरोजनी नगर मार्केट। फ्रेंड्स, हमारा ग्रीन पार्क जाने का प्लान था, लेकिन उससे पहले हमने सोचा चलो यार कुछ स्नैक्स खा लिया जाए। तो हम सरोजनी नगर आए हैं। सरोजनी नगर में ना एक पकोड़े वाले हैं, वो बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी उनके आगे पकोड़े होते हैं। तो हमने अभी ऑर्डर किया है मिक्स पकोड़े। हाँ, बारी खा लेते। लॉक है गाड़ी? यहीं पे रख लो। कौन कौन से लिए? ब्रेड पकौड़ा एंड मिक्स। चलो आओ। ज्यादा वाला मैं ले रही हूँ, थोड़ा कम वाला आपको दे रही हूँ। अच्छी है। गाइस, फाइनली हम अब ग्रीन पार्क पहुंच चुके हैं। और वैसे तो मेरा पेट ना कोल्ड कॉफी और पकोड़े खाकर पेट भर गया है, लेकिन सोचा यार चलो ग्रीन पार्क आए हैं तो एक एक पराठा तो ट्राई करना बनता है। तो चलिए चलते, अब मैं पराठे का ऑर्डर देती हूँ। बटर या विदाउट बटर? बटर अलग से ले। गाइस, जब तक पराठा रेडी होता है तब तक एक दो रील बना लेते हैं। गाइस, फाइनली हमारा एग पराठा तैयार है और बहुत यम्मी लग रहा है और टेस्टी भी होगा। तो चलिए फटाफट खाते हैं। खाना पीना हो गया है तो अब फाइनली हमें घर चलना चाहिए, तो चलते हैं घर। बाय टाटा। सो गाइस, फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ और रात के 10:30 बज गए हैं। तो मुझे ना बहुत जोरों की नींद आ रही है, क्योंकि इतना ज्यादा खा लिया पकोड़े, फिर कोल्ड कॉफी, फिर पराठे। तो अब ऐसा लग रहा बस अब सो जाओ। तो मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।